नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। फातेपुर प्रखंड के तिसियौता थाना क्षेत्र में 11 नामवर वार्ड में जल जमाव के कारण लोगों को हो रही है बड़ी कठिनाई। लोगों का कहना है कि बाजार आने जाने में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को आने में बहुत कठिनाई होती है। हम लोग खटिया पे लाद कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लोगों ने बताया कि हम लोग पंचायत के मुखिया मनोज चौधरी व वार्ड विश्वनाथ रॉय से बात किया तो वे बोले पूरा पंचायत डूबा है और बाढ़ घोषित नहीं हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गरीबों के मसीहा बनकर समाज सेवी मुखिया उम्मीदवार सिपाही सहनी ने हम लोगों को ईंट गिराकर आने जाने के रास्ते को ठीक किया और सहयोग किया। ये 11 नंबर पंचायत तिसियौता धर्मपुर के, देखिए ये कितना लोगों को चलने और रहने में असुविधा हो रही है। लोगों के घर तक पानी घुस गया है और यहाँ के लोगों ने तिसियौता पंचायत के मुखिया को बोला तो मुखिया जी ने काम बोला कि हमसे नहीं होगा। अब ये हम पूछ रहे हैं कि जो काम हो रहा है किससे, किसके थ्रू ये काम हो रहा है? ये काम हो रहा है सिपाही सहनी, हमारे मुखिया जी के हम लोग कहने गए तो वो नहीं कर पाए, बोला जे अभी नहीं होगा। तो हम लोग सिपाही सहनी को बोले तो हमारे सिपाही सहनी यहाँ तिसियौता पंचायत को मुखिया बनने वाले हैं, वही उन्हीं को बोले हैं तो वही ने गिरवा दिए, नए योगदान दिया। हाँ, गिरवा दिए तो हम लोग बिछा दिए हैं। तो आपने जो यहाँ का 11 नंबर का वार्ड है उससे आप बोले कि हम लोग? हाँ, हम वार्ड को भी बोले तो वो भी नहीं गिरवा, और आता जाता है इतना है लेकिन वो नहीं गिरवाता है, कहकर के थक गया सब, तब पर भी वो नहीं सुनता है। पंचायत का जो प्रतिनिधि है मुखिया हुए, वार्ड हुए, उनसे आप लोग बोले? हाँ, हम लोग सबसे बोले थे, मुखिया से बोले थे, वार्ड से बोले थे, लेकिन वो दोनों कोई नहीं सुना। तो हम लोग अपना सिपाही सहनी के खोजे तो उसी ने एक काम करने के लिए ईंटा गिरवा दिए। उसके बाद हम लोग बिछा रहे हैं, हम लोग का घर में पानी घुस रहा था, रहने का कोई असुविधा नहीं था, बिछा लिए हैं। वार्डों का यही रास्ता है, कुछ नहीं बना रहा, यही कहना था। ठीक, इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए R9 भारत।